बैठा हूँ वरना। बात करें इस ऐप की तो इसमें आपको ज्वाइनिंग बोनस 100 रुपीज़ का मिल जाता है कैश बोनस, और ये भी बिल्कुल फ्री है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं और विनिंग्स को जो अपनी काफ़ी सारे वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका भी लिंक जो है फ्रेंड्स मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स आज के जो मैच है उसके बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले चलते हैं अपने प्लेइंग 11 की तरफ। तो ये आईपीएल का 44th मैच खेला जाएगा फ्रेंड्स, पंजाब वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स, होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में। तो ये पंजाब का होम ग्राउंड है, तो पंजाब को फुल क्राउड सपोर्ट आज के मैच जो है मिल सकता है। बात करेंगे फ्रेंड्स एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की, तो 174 का है, दूसरे इनिंग का 167 का है। और फ्रेंड्स इस बात बता दूं कि इंदौर के पिच पे काफ़ी रन हमें देखने को मिल सकते हैं, कल के मैच में भी काफ़ी रन देखने को मिल सकते हैं क्योंकि दोनों ही टीम की बैटिंग साइड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बात करें कलकत्ता में क्रिस लिन है, सुनील नारायण है, रॉबिन उथप्पा है, वहीं से लोकेश राहुल, क्रिस गेल और करुण नायर है, तो बैटिंग काफ़ी अच्छी लग रही है पंजाब और कलकत्ता, तो शायद कल के मैच में आपको काफ़ी अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। बात करें फ्रेंड्स प्लेइंग 11 की, लेकिन उससे पहले बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की। तो आपको पता होगा कि पंजाब की टीम तो अभी फिलहाल तो नंबर 3rd पे है, वहीं अगर हम बात करें कलकत्ता की टीम पे तो वो नंबर 5th पे है, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। वैसे एक बात बताऊँ कि पंजाब के अभी फिलहाल तो 4 मैचेस रहते हैं, जिसमें से अगर वो 2 विन कर जाती है तो क्वालिफाई कर जाएगी प्ले ऑफ के लिए। वहीं बात करें कलकत्ता नाइट राइडर्स की, तो फिलहाल उनके सिर्फ 3 मैचेस रहते हैं और उनको तीनों जीतने अगर वो कन्फर्म क्वालिफाई करना चाहती है, तो एक तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पंजाब की टीम पे इतना प्रेशर कल के मैच में शायद ना हो, बट कलकत्ता की टीम के लिए कि एक तरह से डू और डाई मैच है और वो कन्फर्म ही मैच जो है विन करना चाहेगी ताकि वो अपने क्वालिफाई करने के चांसेस जो है वो बढ़ा सके। बात करेंगे फ्रेंड्स अब प्लेइंग 11 की, तो बात करते हैं पंजाब की प्लेइंग 11 की। सबसे पहले तो ऐसे केएल राहुल है, क्रिस गेल है, मनोज तिवारी है, करुण नायर है, अक्षदीप नाथ है, मार्कस चौनिस है, अक्षर पटेल है, इसके अलावा रविंद्र अश्विन है, एंड्रोटाई है, मुजीब रहमान है। यहाँ से फ्रेंड्स मैं कहूँ कि ज़्यादा चेंजेस आपको शायद देखने को ना मिले, पंजाब की टीम सेम ही जाना चाहेंगी और जो विनिंग मोमेंटम तो अभी फिलहाल इनका पिछले मैच में नहीं रहा था, बट फिर भी टीम बैलेंस लग रही है तो सेम ही जाना चाहेगी। फिर भी अगर मैं आपको कुछ रिस्की प्लेयर्स बताऊँ जो शायद कल के मैच में ना खेले, तो मैं कहूँगा कि मनोज तिवारी, अक्षदीप नाथ, इसके अलावा मोहित शर्मा। हो सकता है कि मनोज तिवारी की जगह वापस युवराज सिंह को लाया जाए, अक्षदीप की नाथ की जगह मनोज अगर मयंक अग्रवाल को लाया जाए, इसके अलावा मैं कहूँ कि मोहित शर्मा की जगह अंकित राजपूत या फिर वीरेंद्र सरान को एक बार मौका दिया जाए। तो ये 3 फ्रेंड्स थोड़ी सी रिस्की आपके लिए ऑप्शन रह सकती है, तो फिलहाल आप इन तीनों पर अभी चूज ना करना, बाकी आपके पास अच्छी ऑप्शन है। मैं कहूँगी रविंद्र अश्विन की अच्छी ऑप्शन है, मार्कस चौनिस की अच्छी ऑप्शन है, एंड्रोटाई, मुजीब रहमान, बैटिंग में क्रिस गेल, करुण नायर और केएल राहुल की। अब बात करें फ्रेंड्स कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, तो यहाँ से शायद आपको 2 या 3 चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। बात करें तो बैटिंग में इतना चेंज नहीं होगा, इनका क्रिस लिन है, सुनील नारायण है, रॉबिन उथप्पा, नीतीश राणा, दिनेश कार्तिक ये तो कंफर्म खेलेंगे ही खेलेंगे। इसके अलावा शायद शुभमन गिल को मौका दिया जाए रिंकू सिंह की जगह, तो एक ये चेंज आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एंड्री रसल तो कन्फर्म है, इसके अलावा टॉम कुरान, पीयूष चावला, कुलदीप यादव। हो सकता है फ्रेंड्स कि प्रसाद कृष्णा को शायद बाहर उठा के शिवम मावी को एक बार फिर मौका दिया जाए, या फिर मैं कहूँ कि विनय कुमार को भी मौका दिया जा सकता है क्योंकि एक्सपीरियंस बॉलर तो वो भी है। तो थोड़ी सी अगर फ्रेंड्स मैं ऐसे रिस्की ऑप्शंस आपको बताऊँ तो एक तो रिंकू सिंह की तो है ही है, इनकी जगह शुभमान गिल या फिर ईशक जग्गी को भी मौका दिया जा सकता है, और इसके अलावा मैं कहूँगी प्रसाद कृष्णा रिस्की रहने वाले हैं तो इन्हें भी मत लेना आप, और साथ ही साथ टॉम कुरान वैसे खेलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे इनके मिचेल जॉनसन से, बट फिर भी मैं कहूँ कि 10% मिचेल जॉनसन भी खेल सकते हैं और 2% कैमरन डेलपोर्ट भी खेल सकते हैं। कैमरन डेलपोर्ट वैसे फ्रेंड्स बैट्समैन है, तो हो सकता है कि टीम विनय कुमार को लाके कैमरन डेलपोर्ट ले आए रिंकू सिंह की जगह बैटिंग को और स्ट्रॉन्ग कर दे, तो एक चीज फ्रेंड्स आपको ये देखने को मिल सकता है। तो रिस्की चॉइस मैंने आपको बता दिया है, टॉम कुरान है, प्रसाद कृष्णा है और रिंकू सिंह है, बाकी जो टीम है वो सेम जाएगी। तो फ्रेंड्स अपने हमारे दोनों ही टीमों का प्लेइंग 11 देख लिया, अब बात करते हैं हेड टू हेड की। तो फ्रेंड्स यहाँ से हेड टू हेड में थोड़ी सी कलकत्ता की टीम ज़्यादा है, इंदौर की टीम में अभी टोटल 22 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 14 मैचेस कलकत्ता ने विन किए और 8 मैचेस पंजाब ने विन किए। इस सीजन में भी एक मैच हो गया था जिसमें कलकत्ता की टीम ने एक अच्छा टारगेट मारा था, क्रिस लिन ने अच्छी बैटिंग की थी, बाकियों ने भी 190 का टारगेट दिया था, बट पंजाब ने काफ़ी इजीली चेस कर लिया था वो टारगेट, बारिश आई थी इसलिए टारगेट जो 120 का हो गया था, बट पंजाब ने 9 विकेट से जीत लिया था डब्ल्यू लुइस मेथड के हिसाब से। तो पंजाब की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है और डोमिनेंट भी लग रही है इस सीजन की कलकत्ता के ऊपर। बात करते हैं फ्रेंड्स अपने ड्रीम इलेवन की टीम की, तो हमारे फ्रेंड्स एक ड्रीम इलेवन का टीम अपना बना रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स हम विकेट कीपर से, फिलहाल तो 2 ऑप्शन है, केएल राहुल, दिनेश कार्तिक।
ज्यादा अच्छी तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली लोकेश राहुल की रहने वाली है आपके लिए, क्योंकि फॉर्म में भी दिनेश कार्तिक से ज्यादा है, बैट स्किल्स भी काफी अच्छे इनके पास, साथ ही साथ पावर प्ले में स्टार्टिंग ओपनिंग ही करेंगे तो ऑब्वियसली बाउंड्रीज ज्यादा मारेंगे, रन ज्यादा स्कोर कर सकते हैं और फुली अपनी बैटिंग कर सकते हैं, तो केएल राहुल की काफी अच्छी ऑप्शन रह सकती है, तो आप केएल राहुल के साथ ही जा सकते हैं। हाँ कुछ अगर आपने ज्यादा टीम्स लगाए तो आप दिनेश कार्तिक को अपनी टीम में जो ट्राई कर सकते हैं कुछ टीम्स में। अब बात करें फ्रेंड्स बैट्समैन की, तो फिलहाल तो फ्रेंड्स मैंने ऐसे चार बैट्समैन लिए क्योंकि अच्छी ऑप्शंस मेरे पास नहीं बची थी क्रेडिट्स के अकॉर्डिंग, तो ऐसे फ्रेंड्स मैंने जो क्रिस गेल लिए हैं, क्रिस लिन लिए, इसके अलावा नीतीश राणा लिए और करुण नायर लिए, तो दो पंजाब के बैट्समैन लिए और दो कलकत्ता के लिए एक बैलेंस बना के रखा है मैंने, पंजाब के क्रिस गेल और करुण नायर लिए और कलकत्ता के क्रिस लिन और नीतीश राणा लिए। अब फ्रेंड्स मैं आपको कुछ ऑप्शन बताऊँ तो हमें दिक्कत दे सकती है, वह फ्रेंड्स रोमिन थापा फिलहाल तो मैंने इस मैच के लिए मिस किया, आप चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं और शायद ये कल के मैच में हमें दिक्कत दे सकते हैं अगर ये चलते तो, बाकी और कोई खास ऑप्शन नहीं है, सारी रिस्की रहेंगी, चाहे मनोज तिवारी हो, युवराज सिंह हो, कैमरन डेलपोर्ट हो, मयंक अग्रवाल, सारी जो है रिस्की रहने वाले क्योंकि चांसेस कम है और इतने अच्छे शायद बैट्समैन भी नहीं है सारे। बेस्ट ऑप्शन फ्रेंड्स मैं कहूँगा कि क्रिस गेल है, इसके अलावा फ्रेंड्स मैं कहूँगा कि क्रिस गेल, रोमिन थापा, क्रिस लिन, नीतीश राणा, करुण नायर, ये पांच बेस्ट ऑप्शंस हैं, आप इनमें से चारों या पांच को ही ले सकते हैं अपनी टीम में। बात करें फ्रेंड्स ऑलराउंडर की, तो फिलहाल तो फ्रेंड्स मैंने ऐसे दो ही ऑलराउंडर ले पाए हूँ, क्रेडिट्स की कमी थी, ऐसे फ्रेंड्स जो मैंने लिए सुनील नारायण लिए, इसके अलावा अगले जो ऑलराउंडर लिए मार्कस स्टोनिस लिए, आप चाहे तो अगर आपके पास क्रेडिट है तो आप एक चेंज कर सकते हो, वह एंड्री रसेल को अपनी टीम में जो है ला सकते हैं, तो ये चेंज अगर फ्रेंड्स आप करना चाहते तो कर सकते हैं, आप मार्कस स्टोनिस को हटा के एंड्री रसेल को ला सकते हैं अगर आपके पास क्रेडिट्स की कमी नहीं है तो। फिलहाल तो फ्रेंड्स मैंने एंड्री रसेल और रविंद्र अश्विन दोनों ही अच्छे ऑलराउंडर है और दोनों को ये भी छोड़ा है, मार्कस स्टोनिस के साथ गया हूँ जो बैटिंग बॉलिंग एंड्री रसेल के हिसाब से ही कर लेते हैं, बट बैटिंग आने के चांसेस इनके थोड़े कम ही रहते हैं क्योंकि पंजाब का टॉप ऑर्डर काफी स्ट्रॉन्ग है, इनके काफी कम चांसेस रहते हैं अगर टॉप ऑर्डर फेल हो जाए तो इनकी बैटिंग आने के चांसेस जो है रहते हैं। तो फिलहाल तो फ्रेंड्स ऑलराउंडर में बेस्ट ऑप्शन का सुनील नारायण, एंड्री रसेल, रविंद्र अश्विन, मार्कस स्टोनिस और अक्षर पटेल की बेस्ट ऑप्शन है और सेफ भी ऑप्शन है, आप इनमें से किन्हीं तीन के साथ जा सकते हैं, किन्हीं दो के साथ भी, मैं फिलहाल सुनील नारायण और मार्कस स्टोनिस के साथ गया हूँ, बट हाँ अगर आपके पास क्रेडिट है तो जरूर आप एंड्री रसेल के साथ जाए, मेरी सजेशन आपके साथ एंड्री रसेल की ही रहेगी। बात करें फ्रेंड्स बॉलर्स की, तो फिलहाल तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे चार बॉलर के साथ गया हूँ, मैंने दो पंजाब के बॉलर्स लिए, एंड्रू टाई लिए, इसके अलावा मैंने अगले जो बॉलर लिए मुजीब जादरन लिए, दोनों ही ओवरसीज बॉलर है, इसके अलावा फ्रेंड्स मैंने कलकत्ता का एक स्पिनर कुलदीप यादव लिए, इसके अलावा प्रसाद कृष्णा लिए, अगर आप एक चेंज करना चाहते तो आप एक चेंज कर सकते हैं, यहाँ से वो अच्छा रह सकता है आपके लिए, वो है कुलदीप यादव को हटा के आप पीयूष चावला को ले सकते हैं जिन्होंने पिछले मैच में काफी अच्छी बॉलिंग पाई थी, बट कहीं ना कहीं मुझे कुलदीप यादव पे ज्यादा फेथ है कल के मैच में तो मैं कुलदीप यादव के साथ गया हूँ, आप चाहे तो पीयूष चावला को भी अपनी टीम में जो है ले सकते हैं। तो फिलहाल तो फ्रेंड्स हमने सारी सेफ चॉइसेस लिए, बट एक चॉइसिस थोड़ी सी रिस्की रह सकती है, प्रसाद कृष्णा की चॉइस है फ्रेंड्स, अगर आप चाहे तो इन्हें हटाकर शिव मावी को ले सकते हैं पर रिस्की तो ये भी रहेगी, और एट क्रेडिट्स में जितनी भी चॉइसिस हो आपके पास मोहित शर्मा की भी ऑप्शन है बट रिस्की तो वो भी रहने वाली है, तो फिलहाल तो फ्रेंड्स एक रिस्क तो उठाना पड़ेगा, कुछ देखते हो सेटिंग बनते थोड़ा क्रेडिट मैनेज हो जाए जिससे मैं पीयूष चावला को ले पाऊँ, 0.5 क्रेडिट जो है मेरा मैनेज हो जाए तो वो थोड़ा फ्रेंड्स मैं जो है ट्राई मारूंगा। तो ये रहा फ्रेंड्स फिलहाल तो हमारा जो टीम था, हमने चार बॉलर्स लिए, एंड्रू टाई, कुलदीप यादव, मुजीब जादान, प्रसाद कृष्णा, आपके पास एक अच्छी ऑप्शन पीयूष चावला की भी है, बाकी अंकित राजपूत, शिवम मावी, मोहित शर्मा ये रहने वाले कल के मैच के लिए रिस्की। बात करें फ्रेंड्स अब अपने कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो फिलहाल तो फ्रेंड्स मैंने ऐसे कैप्टन सुनील नारायण लिए, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे जो, इसके अलावा वाइस कैप्टन लोकेश राहुल लिए, बट एक बात तो फ्रेंड्स सुनील नारायण का कुछ खास जैसे सीजन तो गया नहीं है, बॉलिंग तो फिर भी ठीक करे बट बैटिंग में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी मार रहे हैं, तो आप जो है इन्हें एज अ वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं या फिर हटा भी सकते हैं एज अ कैप्टन, इन्हें चाहे आप ट्राई मत करना, आप यहाँ से क्रिस गेल, लोकेश राहुल को कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हैं, वाइस कैप्टन वहीं पे क्रिस लिन को ले सकते हैं या फिर नीतीश राणा को भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। और ऑप्शंस तो फ्रेंड्स आपको कैप्टन वाइस कैप्टन की तो लोकेश राहुल, क्रिस गेल की तो ऑब्वियसली है ही है, इसके अलावा क्रिस लिन की अच्छी ऑप्शन है, नीतीश राणा की अच्छी ऑप्शन है, करुण नायर की एज ए वाइस कैप्टन की अच्छी ऑप्शन रहेगी आपके लिए, इसके अलावा मैं कहूँ कि अगर आपने रोबिन थापा अपनी टीम में ले तो आप रोबिन थापा को भी अपनी टीम में जो एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, सुनील नारायण की एक अच्छी ऑप्शन रहेगी।